विदिशा जिले के पीएचई विभाग ग्यारसपुर के ड्राइवर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। ड्राइवर ग्यारसपुर के मोहनपुरा वार्ड में रहने वाला है। इस संबंध में बीएमओ डॉक्टर जदी अब्बास ने बताया कि ड्राइवर पीएचई विभाग की गाड़ी चलाता है। 24 तारीख को ड्राइवर का सैंपल लिया गया, 26 तारीख को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, लेकिन 22 जुलाई से ड्यूटी पर नहीं गया था। ड्राइवर की तबीयत खराब होने पर ही विभाग के एसडीओ जैन ने उसे छुट्टी दे दी थी। एसडीओ भी होम क्वारंटाइन हो गए हैं। मोहनपुर में ड्राइवर के संपर्क में आने वाले सभी लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। ग्यारसपुर नगर में एक सप्ताह में कोरोना पॉजिटिव का यह दूसरा मामला है। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। वो उसको काफ़ी दिनों से ILI के सिम्टम्स थे, वो अपने पास वहाँ पर झाड़ा फूकी करा रहे थे। वहाँ पर फिर 24 तारीख को अपने अस्पताल में आए थे, फिर बुखार आ रहा था उसको, तो अपने झाड़ा फूकी करा रहे थे। वो झाड़ा फूकी कराने पर क्या है, उसका आराम नहीं हुआ, तो फिर अपने अस्पताल में 24 तारीख को आए थे। 24 तारीख को अपने उनका सैंपल लिया था, जिसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई सुबह, तो उसको फिर अपने DCSC रिफ़र कराएगा वहाँ से। तो सर उसके संपर्क में लगभग कितने लोग आए हैं? उसके संपर्क में लगभग 15 लोग आए होंगे, जिनको गाड़ी चलाते थे वो लोग भी हैं, घर वाले परिवार में भी 4 लोग हैं, विदिशा में भी 6 लोग हैं, ऐसे दोनों जगह से उसके 15 लोग कॉन्ट्रैक्ट से निकले हैं इस चीज़ के। और सर वो जिस विभाग की गाड़ी चलाता था, उस विभाग के जो अधिकारी हैं जो उस वाहन में घूमते थे, कि उनको भी क्वारंटाइन किया जाए? उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया, उनको सूचना दे दी गई है, उनको भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। तो क्या सभी लोगों के सैंपल लिए जाएंगे? सभी लोगों के 5 से 14 दिन के बीच में सैंपल लिए जाएंगे। सर मरीज को उपचार के लिए सर कहाँ पे शिफ्ट कराया? विदिशा डिस्ट्रिक्ट DCSC विदिशा में शिफ्ट कराया उसको मरीज को। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।